इस दिन हो जाएगी टीम इंडिया के नए कोच की घोषणा। इन बड़े दिग्गजों का बाहर होना अब तय। नमस्कार, विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को जल्द नया हेड कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ मिलने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुख्य कोच के लिए 6 दिग्गजों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करा लिया है। इन 6 दिग्गज नामों में टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच रवि शास्त्री का नाम भी शामिल है, जिन्हें इस प्रक्रिया में सीधे प्रवेश मिला है। रवि शास्त्री एड कंपनी इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर है। इंटरव्यू पहले 13 या 14 अगस्त को होनी थी, लेकिन अब सिर्फ 6 लोगों को ही फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऐसे में इसके लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त ही काफी है। इंटरव्यू के लिए कुछ कागजी कार्रवाई अभी बाकी है और CSE जब इंटरव्यू शुरू करेगी उससे पहले सभी तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि इंटरव्यू 16 अगस्त को 10 बजे से शाम 5 बजे तक लिया जाएगा और अगले दिन यानी 15 अगस्त को कोच की घोषणा हो जाएगी। राष्ट्रीय चयनकर्ता जब भारतीय टीम के लिए सहयोगी स्टाफ चुनेंगे तो बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ के साथ ही कुछ और स्टाफ की छुट्टी होना लगभग तय है। सहयोगी स्टाफ को मुख्य कोच रवि शास्त्री के साथ आगामी वेस्टइंडीज के दौरे के आखिरी तक कार्यकाल में विस्तार मिला है। इसके बाद नए सिरे से साक्षात्कार होंगे और सभी पदों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। कपिल देव की अध्यक्षता वाली नई क्रिकेट सलाहकार समिति मुख्य कोच के बारे में फैसला लेगी। चयनकर्ताओं को सहयोगी स्टाफ के लिए इंटरव्यू लेने को कहा गया है। करीबी सूत्रों की माने तो अरुण का कहना तय है क्योंकि सभी फॉर्मेट में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।